महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस राशन दुकानदार सेल के तत्वावधान से कांग्रेस पार्टी के नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे के नेतृत्व में नागपुर से संविधान चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस समय दुकानदार सेल के कार्यकर्ता बड़ी मात्रा में मौजूद थे। इस समय अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपस्थित आंदोलनकारी राशन दुकानदारों ने सरकार से अपनी मांग के पूर्ण करने का प्रतिपादन किया। इस वक्त पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस शहर जिला कमेटी के अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे ने कहा कि जनता तक राशन पहुंचाने की समाज सेवा करने वाले राशन दुकानदारों की कई समस्याएं होती है। राशन दुकान का किराया तो कभी आयात निर्यात का खर्च, इतना ही नहीं तो कई बार आपातकालीन स्थिति का सामना भी राशन दुकानदारों को करना पड़ता है, जिसके चलते एक विधायक और कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते राशन दुकानदारों के सभी प्रश्नों के निराकरण हेतु उनके साथ खड़ा हूँ। क्या सगळ्या दुकानदारांच्या वतीने आज आंदोलन होत आहे या ठिकाणी? वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून या ठिकाणी मला वाटतं की राज्यात 75,000 माझ्या आधी राशन दुकानदार आहे विकास ठाकरे आणि गरीब जनतेपर्यंत राज्य शासनामार्फत मिळणारं अन्नधान्य पोहोचवण्याचं काम हे दुकानदार करत असतात। मी एवढंच आपल्याला या ते हे काम करत असताना त्यांच्या अनेक अडचणी असतात। दुकान भाड्याने घ्यावं लागतात, विजेचं बिल भरणं आहे, दुकानातल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार आहे, ते धरून त्याला स्वतःची रोजी काढायची असते आणि अशा वेळेस त्याला फक्त 150 रुपये कमिशन एका पोत्यावर मिळतं हे कमी आहे अशी यांची मागणी आहे। ते 500 रुपये करावी अशी मागणी आहे, याचं अनेक मागण्या आहेत। मला वाटतं की या मागण्या राज्य शासनाशी निगडीत आहे आणि येणाऱ्या अधिवेशनाच्या काळात। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष टेंबरे की रिपोर्ट।